अभी हम इमली और पुदीने की चटनी बनाने लगे हैं। ये हमने पुदीना और धनिया साफ कर लिया, इसको डाल दिया, हम इसको वॉश करने लगे। ये हमने धनिया और पुदीना साफ किया था, इसको हमने पानी में भिगो के रख दिया ताकि इसको हम डस्ट रिमूव कर सकें इजीली। अभी इसमें हमने 10 से 12 हरी मिर्ची ऐड कर दी, धनिया पुदीना इमली और हरी मिर्ची भी आपको सामने नजर आ रही है। ये हमने 3 टेबलस्पून इमली ले ली है, हमने इमली पानी में भिगो दी है, कुछ टाइम हो गया, आधा घंटा तकरीबन हमने इसे भीगने देना है। अभी 12-13 मिनट हुए, क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए तो थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। टीस्पून सॉल्ट डाल दिया हमने इसमें, हाफ टीस्पून मिर्च डाल दी हमने, लाल मिर्च। ये बन के तैयार हो गई।